मुरैना में सड़क पर भारी दलदल होने से परेशान नागरिकों ने पूर्व पार्षद के साथ मिलकर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। नागरिकों ने इस दलदल में धान के पौधे रोपकर अनूठा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही धरना स्थल पर पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना सहित नगर निगम आयुक्त भी पहुंच गए। मुरैना के थोक सब्जी मंडी के सामने से गुजर रही सड़क पर लगभग 15,000 लोगों का आवागमन रहता है। यह सड़क माधोपुरा के पुलिया से शुरू होकर अंबा बाईपास तक जाती है। सड़क के दलदल में तब्दील हो जाने से परेशान लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन में वार्ड 14 के चुनिंदा नागरिक व पूर्व पार्षद दिलीप राठौर भी शामिल हुए और थोक सब्जी मंडी के बाहर सड़क पर धान रोपने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना ने स्थिति का जायजा लेते हुए तुरंत नगर निगम आयुक्त को बुलाया। आयुक्त ने सीवर योजना के कारण सड़क के देरी से बनने का कारण बताया। हमने नगर निगम को हर स्तर पर चेताया, लेकिन इस रोड की समस्या के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया नगर निगम स्तर पर। इसलिए हमने आज विरोध स्वरूप इस रोड पर धान रोपकर और गड्ढों में पौधे रोपकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसमें माननीय विधायक जी रघुराज कंसाना जी यहाँ मौके पर उपस्थित हुए। उन्होंने कमिश्नर महोदय नगर निगम को बुलाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस रोड का निराकरण और बनवाया जाएगा। आप ये विरोध प्रदर्शन बंद करिए। मेरे संज्ञान में ये विधायक जी का कहना है कि रोड मेरे संज्ञान में आ गई है तो मैं इसका शीघ्र समाधान करूंगा। अगर आज की मांग नहीं मानी जाती तो क्या? अगर नहीं ये मांग आनी मानी जाती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे आने वाले समय में सड़कों पर। कौन सी रोड है और कौन सा मार्ग है? माधोपुरा की पुलिया से अंबा बाईपास तक का जो 1.5 किलोमीटर का मार्ग है, इस पर करीबन 30 से 35 हजार लोग निवास करते हैं। इस रोड पर थोक सब्जी मंडी एवं खेरी सब्जी मंडी भी है। हमने अरेस्ट स्तर पर प्रयास किया लेकिन सुनी नहीं गई हमारी। इसलिए आज हमने विरोध स्वरूप धान रोपण और पौध रोपण का कार्यक्रम कर अपनी समस्या की ओर नगर निगम प्रशासन एवं माननीय विधायक जी का ध्यान आकर्षण कराया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी सहयोग से हमारी अंबा बाईपास से लेकर माधोपुरा तक जो रोड है उसका निराकरण समस्या का हो जाए। नहीं, उसका सॉल्यूशन ये है, स्पेसिफिकली काम चल रहा है अभी नाला नंबर का, नाला नंबर 1 का जो है ये काम चल रहा है। आपने देखा होगा पाइपलाइन वगैरह डली हुई है, तो उसी के वर्किंग के दौरान क्या है इधर की साइड में जो गड्ढे हुए हैं उसको, लेकिन ट्रैक्टर्स भी कंटिन्यूअसली निकलते जा रहे हैं, तो यहाँ के सबको ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत हैवी व्हीकल्स ना निकले, तो जो गिट्टी डालेंगे तो गिट्टी फिर से वो छितरी हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखें कि यहाँ से ट्रैक्टर्स वगैरह निकले उसके लिए भी हम लोगों ने रोक लगाई है। और बाकी आगे सब लोग अपने आप ही व्यवस्थित रूप से हम गिट्टी डलवा देंगे जिससे आने जाने का रास्ता जो है वो सुगम हो जाएगा। और इसके लिए एक ऑलरेडी WBM तो हो गई होगा और टावर का भी प्रपोजल कर लिया है। सर लगभग कितनी जल्दी आ चुका है ये काम? अभी 2 महीने लेगा, पूरे 2 महीने में पूरा कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद अच्छा लोगों के लिए फायदा रहेगा। समस्या है क्योंकि सीवर लाइन यहाँ डल रही है नजदीक में, तो जो मट्टी है जो आधी रोड पे आ गई है उस वजह से थोड़ी नीचाई हो गई है, पानी का भराव है। और दिलीप है और कंप्यूटर राठौर है ये पार्षद है, यानी इन्होंने कल बताया था तो आज जिन लोगों का ये कार्यक्रम था तो मैं आया हूँ, तो हम इन्हें बुलाया था और कमिश्नर साहब को भी मैंने बुलाया, निर्देश दिया है कि 2 दिन में हम इसके जो रोड की समस्या है इसका समाधान करेंगे। यहाँ बोल्डर है, उसके बाद WBM रोड होगी और उसके बाद डमरीकरण का भी काम चालू होना है क्योंकि बरसात का मौसम है, इस वजह से समय समय पर काम रुक जाता है। पाइप रखी है आपके सामने कि उधर पाइप लाइन भी डलनी है सीवर की, तो ये थोड़ा सा मट्टी इधर आ गई है तो दोनों तरफ से झुकाव हो गया है तो पानी भर जाता है बरसात की वजह से, लेकिन निश्चित रूप से 2 दिन में समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ पर धान के पौधे भी और भी पौधे लगाए गए हैं कीचड़ में, ये क्या है? वो तो लोगों का प्रदर्शन है कि किस रूप में प्रदर्शन करें अपना भाई, जब समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो उन्हें ये करते हैं, तो ये प्रक्रिया है। लेकिन मैं उनके बीच में मैं आया हूँ, समस्याओं के लिए डरना नहीं चाहिए, प्रतिनिधि है, समस्याएं आएंगी तो हमको प्रतिनिधि बनाया किसके लिए? समस्याओं के निदान के लिए। जब हमारे ध्यान आकर्षण में कोई चीज़ लाई जाएगी तो हम उसको ऊपर वरिष्ठ लोगों को बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं का समाधान हो। बहरहाल पूर्व विधायक ने प्रदर्शनकारियों को जल्द सड़क बनने का आश्वासन दिया, इसके बाद ही प्रदर्शनकारी धरना स्थल से हटे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, मुरैना।